राज्यसभा की रेस शुरू हो गई है। किंग महेंद्र के निधन के बाद जो सीट खाली हुई उसके लिए जेडीयू ने अपने कर्मठ कार्यकर्ता अनिल हेगड़े को उम्मीदवार बनाया है। वहीं अब एनडीए के एक घटक दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने भी ख्वाहिश जताई है कि उन्हें भी राज्यसभा की एक सीट मिलनी चाहिए। मांझी की इस ख्वाहिश पर राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। किंग की जगह हेगड़े जाएंगे राज्यसभा। जेडीयू ने किया कैंडिडेट के नाम का ऐलान। मांझी को भी चाहिए राज्यसभा की सीट। किंग महेंद्र के निधन के बाद खाली राज्यसभा की सीट के लिए जेडीयू ने अनिल हेगड़े को उम्मीदवार बनाया है। चिट्ठी जारी हो गई। कभी मैंने कोई मुझे कोई पद दीजिए करके किसी को हमने बोला नहीं है, और अचानक आज के दिन मुख्यमंत्री जी ने मुझे पार्टी अध्यक्ष और पार्टी का संसदीय बोर्ड चेयरमैन इन लोगों ने मुझे राज्यसभा के लिए मुझे कैंडिडेट बनाया, और इसके बाद राज्यसभा की रेस भी शुरू हो गई। और इस रेस में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी शामिल होना चाहती है। ख्वाहिश है कि उसे भी एक सीट दी जाए। हम आशा करते हैं कि हम लोगों को एक सीट, चाहे एमएलसी वाला हो या राज्यसभा वाला हो, राज्यसभा में एक उपचुनाव भी होना है तो उसमें कहीं मिले, हम तो अपेक्षा करते हैं। मांझी ने जो ख्वाहिश जताई है उस ख्वाहिश पर ना बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर कर रही है, ना जेडीयू कुछ साफ बोलने के लिए तैयार है। वहां का एनडीए ऐसे फैसलों पर निर्णय लेने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उस पर मुझे कोई वक्तव्य नहीं देना। आदरणीय जीतन राम मांझी जी, जो राज्यसभा और विधान परिषद में सीटों का मांग किए हैं, तो एनडीए का मुखिया आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी उचित समय पर इस संदर्भ में उचित निर्णय लेंगे। दरअसल ऐसी ही ख्वाहिश विधान परिषद चुनाव के वक्त भी मांझी ने जताई थी। क्या हुआ ये सब ने देखा। पारस को एक सीट मिल गई, लेकिन मांझी देखते रह गए। तो फिर एक कदम आगे बढ़कर राज्यसभा की सीट की मांग कैसे और क्यों हो रही है, सवाल विपक्ष पूछ रहा है। इनको राज्यसभा की सीट क्या, जब इनको सरकार में रहते हुए इनके दम पर सरकार है, इसके बावजूद इनको कोई तवज्जो तरजीह नहीं मिलती है, तो इसलिए ये राज्यसभा की सीट तो इनको किसी कीमत पर नहीं देगी। बिहार में सत्ता की लूट हो रही है और उस लूट में हर व्यक्ति अपना हिस्सा मांग रहा है, इसीलिए मांझी जी भी उस सत्ता की लूट में अपने और अपने परिवार के लिए हिस्सा मांग रहे हैं। राज्यसभा के लिए एक सीट भले मांझी ने मांग ली, लेकिन लगता नहीं है कि एनडीए के दो बड़े दल यानी जेडीयू और बीजेपी इस मांग पर गौर भी फरमाएंगी। राज्यसभा की रेस में एनडीए से सिर्फ दो ही चलेंगे, कमल के साथ तीर। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।